Hi guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो में मैं शो करूंगी हाउ टू डू योर आईब्रोज एट होम. खुद आप अपनी आईब्रो बना सकते हो, आपका लिप्स फेशियल है रिमूव कर सकते हो बाय थ्रेड. थ्रेड से रिमूव कर सकते हो, वैक्स से रिमूव कर सकते हो, प्लकर से रिमूव कर सकते हो, जैसे भी रिमूव करना है वैसे. सो काफ़ी लोगों को बहुत पेन होता है आईब्रो थ्रेड करने में या वैक्स करने में, तो उन लोगों के लिए एक टिप है कि जब भी आप अपनी आईब्रो बनाओ बाय थ्रेडिंग और वैक्सिंग और वॉट एवर जो भी चीज़ यूज़ करो, उससे पहले आप आइस क्यूब होते हैं बर्फ, उसको अपने आईब्रो पे, अपर लिप्स पे या फेशियल हेयर्स रिमूव करें उस पर आप जस्ट मसाज करो, इससे आपको पेन नहीं होगा. एक लोग अपनी आईब्रो दिखा देती हूँ. सो ये है मेरी आईब्रो जो मैंने बहुत मेहनत से इतनी बढ़ाई हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बना सकूँ. सो मैं बस अपने एक्स्ट्रा हेयर्स ही निकालूंगी, ना कि ये शेप ऑलरेडी है. हमको आईब्रो को टच नहीं करना है, जस्ट एक्स्ट्रा निकालना है खुद से इन सेंटर में जो थोड़े बहुत हेयर्स है उसको. सो इतने पोर्शन में एंड देन इतने पोर्शन में ही मैं आईब्रो करने आ रही हूँ. मैं यूज़ करने आ रही हूँ ये थ्रेड, ये ग्रीन कलर का थ्रेड है, इट्स आईब्रो थ्रेड. मतलब ये मेडिकल में इजीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा. एंड आप लोग इसकी जगह वाइट थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो कपड़े सिलाई करने वाले थ्रेड होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत जल्दी ऐसे खींचेंगे तो टूट जाता है. आपको इसको कितना लेना है मैं आपको वो बता देती हूँ. आपको ये अपनी फर्स्ट फिंगर में इस तरह फिरा के अपने यहाँ एल्बोस तक लेना है, ठीक सी इतना. ये डबल थ्रेड है. फिर आपको ये थ्रेड को इस तरह दोनों एंड्स को इक्वल लाना है एंड उसको एक नॉट बांधना है, सी एक सिंगल नॉट. सो आपको ये इस तरह का थ्रेड मिलेगा, एक सर्कल राउंड उसमें. एंड देन आपको राइट हैंड को एक दो इन तीन इस तरह तीन बार पुल करना है, तो ये कुछ इस तरह मिलेगा. ओके सो मैंने कॉर्डर अप्लाई कर ली हूँ एंड मैं स्टार्ट करती हूँ. मैं इसको राइट हैंड को 1, 2 एंड 3 बस इतना ही इसको मैं कर रही हूँ ताकि इजीली मैं निकाल सकूँ. इस तरह करना है, लाइक राइट हैंड को पहले पुश करना है एंड देन लेफ्ट हैंड को करना है, देन राइट एंड देन लेफ्ट. जो ये बीच का नॉट है ये हेयर रिमूव करेगा, तो जहाँ पे आपके हेयर्स निकालने हैं इसको वहीं पे रखना है, लाइक इस साइड एंड देन पुल. यू कैन सी किस तरह ये हेयर पकड़ लेता है एंड देन निकाल देता है. तो मैं पहले अपनी ऊपर की आईब्रो बना रही हूँ. अब नीचे की आईब्रो के लिए आपको सेलो टेप चाहिए. पहले मैं इसको ना अपने हेयर्स को ऐसे पीछे करके सेलो टेप करूँगी एंड देन मैं अपने ये हेयर्स निकालूंगी ताकि मेरी मेन आईब्रो जो शेप है वो थ्रेड में नहीं आए और मेरी स्किन नहीं खींचे. तो मैं सेलो टेप ले रही हूँ आईब्रो को, मैं इस तरह सेलो टेप. जो एक्स्ट्रा हेयर है मैं बस उसको ही अब निकालूंगी एंड मेरी मेन आईब्रो को कुछ भी नहीं होगा. एंड देन अगेन सेम स्टेप, राइट हैंड 1, 2 एंड 3 एंड देन इसको पुल बैक करना है एंड देन ऐसे. अब इस डायरेक्शन में इस तरफ हेयर है तो मैं इसको इस तरफ करूँ, राइट को पहले लेफ्ट को पहले पुश कर दूंगी एंड रखने के बाद एंड देन राइट. सो ये वाली आईब्रो हो गई है. ओके सो इस वाली आईब्रो पे मैं आपको एक प्लकर यूज़ करके बताऊंगी कि मेरे हिसाब से मोस्ट पेनलेस, मतलब ज़रा भी पेन नहीं होगा ये चीज़ करने से. हालांकि थ्रेड में थोड़ा बहुत होता है, यू जस्ट हैव टू डू इज जो आपके हेयर से एक्स्ट्रा एंड देन उसको इस तरह पकड़ के उसको ऐसे पकड़ना है. सी यहाँ का पोर्शन क्लीन हो गया है.
So guys, I have removed all my extra hair from my eyebrows. See, dikh rahe hai? Extra hair. So these are my eyebrows. Yahan pe maine thread ki hu, yahan pe maine plucker ki hu. Difference to dikh raha hoga. And then main usko se cut kar. इस तरह जैसे नेक्स्ट आईब्रो हो जाने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल और ये हर्बल स्किन जेल है एलोवेरा का इतने अमाउंट में मैं इसको अपने फिंगर पे लेके इस तरह मसाज कर ले रही हूँ 2 मिनट तक नेक्स्ट मैं ले रही हूँ कंसीलर और कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फिट मी का कंसीलर इन द शेड 10 So this is the final eyebrow. ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज लाइक करना एंड कमेंट भी करना कि कैसी थी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर हिट करना एंड बेल आइकन को भी हिट करना ताकि मैं कोई भी न्यू अपडेट वीडियो डालूँ तो आप लोग सबसे पहले नोटिफाइड हो एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो बाय